हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। आप कंफ्यूजन में होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैप्चा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं या कहीं साइन इन करते हैं तो कुछ लेटर्स लिखे आते हैं और आपसे कहा जाता है कि उन लेटर्स को दोबारा रिपीट करके नीचे लिखिए और साइन इन कीजिए या कोई भी फॉर्म में बटन दबाइए। क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैप्चा क्यों होता है। मैं इसकी फुल फॉर्म बार बार नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि काफी बड़ी है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी जो मैं नहीं चाहता। तो ये क्यों होता है, देखिए ये होता है जैसे नाम बताता है इसका, कंप्यूटर्स को और इंसानों को अलग करने के लिए, ताकि सिस्टम को पता चल सके कि उसको कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है, बॉट यूज कर रहा है, कोई मशीन एक्सेस कर रही है या कोई इंसान यूज कर रहा है। तो इंसान को पता लगाने के लिए इंसान ही पढ़ के उसको रिप्लाई दे सकता है कि वो जो चीज लिखी होती है ऊपर, जो लेटर्स होते हैं ऊपर, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होते, वो इमेज होती है जिसे इंसान पढ़ के ही नीचे वैसा लिख सकता है। तो इसलिए इससे सिस्टम को ये पता चल जाता है कि जो एक्सेस करने वाला इंसान है वो इंसान ही है, मतलब बॉट नहीं है, मशीन नहीं है। क्योंकि आपको पता है DDoS, जो डॉस अटैक होते हैं, DDoS अटैक जो होते हैं, DDoS अटैक जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जहां पर क्या होता है मशीनें अटैक करती हैं वेबसाइट्स पर, कि एक वेबसाइट की लिमिट है कि 50 विजिटर्स, तो कंप्यूटर से अलग अलग आईपी के विजिटर बनाए जाते हैं, 100 विजिटर छोड़ दिए जाते हैं जिससे वेबसाइट हैंग हो जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लोगों की सेल्स खराब हो जाती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है। तो उससे बचने के लिए कैप्चा वेरिफिकेशन आया और ये अलग हो गया कि इससे पता चल सके कि इंसान है या रोबोट। रोबोट पढ़ के उसको रिप्लाई नहीं दे सकता है, शायद फ्यूचर में दे पाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो इमेज को रीड करके ऑटोमेटिक ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी है जो रिप्लाई कर सके और लिख सके कि अगर 528Z ऐसे लिखा हुआ है तो नीचे भी वही लिख जाए। तो ये काफी अच्छी चीज है ह्यूमंस को और रोबोट्स को अलग करने के लिए, क्योंकि अगर कोई रोबोट या कोई अटैक करेगा स्क्रिप्ट से तो वो ये चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और सिस्टम में अंदर या किसी अकाउंट में नहीं घुस पाएगा। तो ये कैप्चा इसीलिए यूज होता है इंसानों को और बॉट्स और रोबोट्स को अलग करने के लिए, ताकि सिस्टम को यह पता चल सके कि एक्सेस करने वाला इंसान है या रोबोट है। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हैकर्स होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, पासवर्ड क्रैक करने के लिए एक इंसान ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है। अगर आपको ब्रूट फोर्स अटैक नहीं पता है क्या होता है तो उस वीडियो का, जिस वीडियो में मैंने ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं यहां भी कुछ थोड़ा बता दूं, ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे पासवर्ड को ट्राई किया जाता है, एक सेकंड में, दो सेकंड में कई सारे पासवर्ड ट्राई कर जाते हैं, किए जाते हैं, तो कोई एक पासवर्ड लग गया तो अकाउंट क्रैक हो जाता है। लेकिन अगर किसी फॉर्म में लॉग इन करने वाले ऑप्शन में यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा है तो कैप्चा तो बार बार भैया तुम नहीं डाल सकते हो, वो तो अलग वही कंप्यूटर से ही जनरेट होगी, तो वहां ब्रूट फोर्स अटैक काम नहीं करता है। ब्रूट फोर्स अटैक का ये तोड़ है, ये आप जान लीजिए कि जहां पर कैप्चा होगा ब्रूट फोर्स अटैक वहां काम नहीं करेगा। तो आपको पता चल गया होगा कैप्चा क्या होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आपके कोई अलग कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं मैं किसी और वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक के ऊपर, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।